Lawal Ahmed and I study in class 7. My respectable teachers are Fadul Adamari, my group members and my all class fellows. Assalamu alaikum. Today our topic is part of plant. तो आज हम स्टडी करेंगे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को और देखेंगे कि प्लांट कैसे ग्रो करता है. आगे आपको डिफाइन करेंगे रहने में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. तो आज का मेरा टॉपिक है द रूट, यानी कि आज हम पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर मेरा टॉपिक, मुझे टॉपिक दिया गया रूट. तो प्लांट को दो हिस्सों में क्या कहते हैं, डिवाइड किया गया है. पहला तो स्टेम पार्ट एंड सेकेंड रूट पार्ट. तो रूट के अंदर क्या होता है कि रूट के अंदर एक प्राइमरी रूट होती है और एक सेकेंडरी रूट होती है. तो प्राइमरी रूट कौन सी होती है, प्राइमरी रूट ये वाली जो मतलब जमीन के बिल्कुल टच में हो. जमीन के टच में कौन सी रूट है, ये वाली. ये दोनों रूट बिल्कुल जमीन के टच में, इसको प्राइमरी रूट कहा जा रहा है क्योंकि ये जमीन से बहुत ज्यादा करीब है जमीन के. अब उसके नीचे उस रूट से मिलकर दूसरी रूट मिले उन्हें बोलेंगे सेकेंडरी रूट, यानी कि जो सबसे ज्यादा पौधों के बिल्कुल नीचे जाकर. और इन दोनों का जो काम वो एक ही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. यानी कि जब हम इन्हें पानी देते हैं यहाँ से तो ये डायरेक्ट यहाँ पर क्या कहते हैं रूट्स, इन रूट्स में जाता है और रूट्स की वजह से वो डायरेक्ट स्टेम में जाता है. थैंक यू. माय नेम इज अतर उमरानी. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टीम. उसे कहते हैं जो मतलब रूट्स जो है वो मतलब पानी एब्जॉर्ब करती है जमीन से, मतलब एब्जॉर्ब करके उसके बाद जो रूट्स को देखिए, रूट्स से जाके लीव्स में आता है पानी जो होता है, ग्लूकोज वगैरह. और जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो बड बड से मतलब फूल जो होता है वो बढ़ता है, मतलब जो फूल जो होता है कोई भी होता है गुलाब का हो या किसी और का, मतलब वो बढ़ता है उसकी वजह से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज समीर हुसैन. मां तांगे बुलाएं स्टीम एंड लीव्स के बारे में. स्टीम जो हुआ सो पूरे प्लांट के सपोर्ट कंदो आ. स्टीम जो हुआ सो वाटर जो हुआ वो स्टीम जे जरिए विंदो लीव्स में. लीव्स जो हुआ सो पूरे प्लांट लाए ग्लूकोज ठाईंदो आ जैसा प्लांट ग्रोथ करे सकंदो आ. वो ग्लूकोज किए ठाईंदो आ माहौल में, जो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड वठंदो आ. स्टीम में जो वाटर वठंदो आ उन्हें जरिए ग्लूकोज ठाईंदो आ. ग्लूकोज पूरे जो को प्लांट जा पार्ट अन उन्हें में पहुंचाईंदो आ जैसे करे वो ग्रोथ कंदा. तो ये था आज का हमारा टॉपिक पार्ट ऑफ प्लांट. तो जो हमारे रिस्पेक्टेबल टीचर सर फाजुल जमाली ने हमें नॉलेज दी थी वो हमने आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है. तो थैंक यू एवरीवन.